तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी से पहले कम बढ़ेंगे। सर आज के इस व्लॉग में हम अलविदा करने वाले हैं अपनी नानी हाउस को, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो सक्षम भाई आ रहे हैं हमें छोड़ने, मैं, जतिन, किरण, मौसी और मम्मी जा रहे हैं घर अपने। बाकी सब जो थे मौसी वो सब चले गए घर, तो अभी किरण, मौसी और मम्मी बचे थे यहाँ पे। तो अब हम भी जा रहे हैं, ओला हमने बुक कर दिया है, तो चलते हैं ओला में। ठीक है गाइस, एक जिगरी यार सक्षम भाई आए हैं हमें छोड़ने के लिए। भाई अब अगली बार मिलेंगे, ठीक है? दो हफ्ते बाद जीनों के बर्थडे में, तब तक खूब ऐश कर, खूब मौज कर, स्कूल जाइए अच्छे से, ठीक है? जब हम यहाँ पे आए थे भाई तब से एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं। गाइस नानी भी आ रही है हमें छोड़ने के लिए, देखो। और ये आ चुकी है हमारी गाड़ी, ये देखो ओला वाली। चल सकते हैं भाई, बाय बाय। गर्मी हो रही है, तो गाइस आज हम इन अंकल के ओला में जाने वाले हैं, अंकल हमें ड्रॉप करने वाले हैं। बाय 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 ना। अब गाइस यहाँ से जो है किरण मौसी अलग हो चुके, अपने घर जा रही है किरण मौसी, और हम अपने घर जाएंगे आगे को उस साइड किरण मौसी इधर। तो अभी जो गाइस आगे पुल पे हमने भी उतरा था, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे पुल पे, और यहाँ से आगे जो है थोड़ा सा हमारा घर है, थोड़ा सा आगे हम पैदल चलना है, तो अभी चलेंगे पैदल चलिए और वहाँ से ऑटो लेंगे मीठापुर चौक पे जाके। मीठापुर चौक से अपना ऑटो लेना है और उसके बाद जो है स्कूल तक ऑटो लेंगे, उसके बाद वहाँ से अभी अपना घर पहुँच जाएंगे, ठीक है? अभी हम थोड़ा सा चलना है बस यहाँ पे, हम कहीं और जल्दी नहीं हुए मेरे साथ, चलो चलते हैं यार, थोड़ा सा चलना है आपको। यहाँ पे देखो गाइस कितनी तेज़ हवा चल रही है और सब ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पे। अभी हमें धूप में थोड़ा सा आगे तक जाना है, ये यहाँ का पुल है, नहर पुल, पल्ला पुल कहते हैं जिसे, मतलब आगे तक जो जाएगा तो पल्ला पुल होगा, ये आगे पल्ला पुल है इसके, और ये एक छोटे से पुल है, क्या कहते हैं हमें इस पुल को, नहर का पुल, नहर पुल, इस चीज़ को पल्ला पुल कहते हैं, नहर पुल, पल्ला पुल कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है? मैंने मम्मी से पूछा तो यहाँ से आगे थोड़ा आगे किरण मौसी घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और इसी पल्ला पुल से आगे थोड़ा थोड़ा हमें चलना है आगे तक, और साथ ही साथ हम पहुँच जाएंगे मीठापुर चौक से, वहाँ से हमें फिर ऑटो लेना है स्कूल तक के लिए। तो गाइस अभी जो है यार हम चलते चलते पैदल चलते चलते हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपनी स्कूल वाली रोड पे, ठीक है? और अभी जतिन भी, मम्मी भी, मैं भी थोड़ा बहुत थक चुके हैं फिलहाल। गाइस मम्मी जो है यार अभी दुकान में अपने कुछ सूट वूट देख रही है यहाँ पे। तो गाइस अभी जो है फाइनली आप एक दुकान पर रुकने करने का जो स्कीन निकले, क्योंकि हम जो है बहुत थके थे, बहुत दूर से आ रहे थे, तो जल्दी से करने का जो कम्प्लीट करता हूँ उसके बाद घर भी जाना है, ठीक है गाइस? A few moments later. तो अभी जो है गाइस फाइनली हम यहाँ पे अपने घर पहुँच चुके हैं, और अभी मैं थोड़ी देर लेट आऊँ क्योंकि मेरे को छाते में जाना है, और यहाँ पे चार बज चुके हैं, तीन बजे हम पहुँच गए थे, लंच वंच करके हम अभी लेटे हैं थोड़े देर, जब यहाँ लेट कर पटी दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर बैठ के दे रहा है कुर्सी मिट्टी थी, तो थोड़ा बहुत आराम करते हैं। अभी नानी के पास आ चुके हैं, नानी वानी को भी हमने फ़ोन कर दिया कि हम पहुँच चुके हैं, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं जाने गाइस इसी लिए। और साथ ही साथ में जो गाइस मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ सभी के लिए, मेरी मतलब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं हो रही, मतलब मैं कब जब भी बाहर जाता हूँ तो उसमें नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू मेरे को देखने को मिलता है गाइस, क्योंकि किसी के उसमें नेट नहीं मिलता, किसी के फोन में कुछ वो होता है, तो नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत रश रहता है वहाँ पे उस जगह पे, तो उस वजह से जो है मेरे ब्लॉग जो है कभी कभार टाइमिंग पे सही टाइम पे नहीं आते। जब गाइस मैं घर पे रहूँगा ना तो आपको डेली की डेली सुबह 8 बजे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और जब कहीं मैं बाहर जाऊँगा, बाहर के ब्लॉग्स आपको डेली बनाऊंगा, तो उनमें थोड़ा बहुत यार आपको टाइम का वेटिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है? A few moments later. तो गाइस अभी जो है यार यहाँ पे हमारे टाइम जो है 7:20 हो चुके हैं, और मैं ट्यूशन कंप्लीट करके भी आ चुका हूँ। आज ट्यूशन में जो अकाउंट्स की क्लास थी, तो मैंने अकाउंट की क्लास कंप्लीट कर ली, बस ज़्यादा कुछ नहीं, जनरल एंट्री और थोड़ी बहुत लेजर एंट्री के बारे में पढ़ाया था भैया ने आज। और यहाँ छत में जो है गाइस अभी मम्मी कपड़े धो रही है, फरीदाबाद के हमारे जितने भी कपड़े थे सब गंदे जो हो रखे थे वो सारे सारे मम्मी ने अभी धो दिए यहाँ पे। और वहाँ पे देखो बगल में हमारा बैट रखा है, बहुत पुराना बैट है हमारा, बहुत पुराना बैट है गाइस ये हमारा, ऐसे भी कम से कम 2 साल हो गए, पर ये बीच में से चटक चुका है, देखो बीच में से। और कहीं साथ ही साथ में फरीदाबाद का मेरे पास एक और ब्लॉग रह रहा था, जो कि वहाँ पे जो मामा जी का था ना, हमारे बड़े मामा जी, उनका बर्थडे ब्लॉग रह रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी उसे भी डाल दो, तो मैंने ट्यूशन साथ को उसे डाल दिया, आप सभी को अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो यूट्यूब पर जाके देख सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मैंने ऊपर आई बटन में भी उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो गाइस अभी जो है आरती करने का टाइम है, तो अब हम आरती करेंगे जितिन और मैं,
यहाँ पे, क्योंकि हमारे 250 जो सब्सक्राइबर्स हुए हैं वो सारे के सारे भगवान की इतनी अच्छी कृपा से हुए हैं। तो भगवान हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें, इसलिए भगवान का बहुत बहुत थैंक यू। और चलो जल्दी से पहले हम आरती कंप्लीट करते हैं। तो गाइस अभी जो हम आरती कंप्लीट करके बाहर बैठे हैं बाहर कमरे में, और यहाँ पे देखो रसगुल्ला खा रहे हैं का, चाय उन्होंने दे दिया। और अभी जो है टीवी में बैठ के मेरा ही ब्लॉग देख रहे हैं यहाँ पे पापा, मैं, जतिन, अभी मम्मी बाहर जा रही है लीडर मास्टर के वहाँ पे। तो गाइस फाइनली जो है यहाँ पे मेरा ट्यूशन का सारा होमवर्क अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी रखा है बस खत्म करके। और मैं जो है गाइस 9 बजे बैठ चुका था काम करने के लिए, और यहाँ पे जो है 10 बज चुके हैं, और मम्मी ने जो है डिनर भी कंप्लीट कर दिया, डिनर भी करेंगे अभी थोड़ी देर में बस। और यहाँ पे देखो गाइस जतिन क्या वीडियो देखा, पता नहीं क्या चैनल है इसका, शो एंड ट्रे, पता नहीं क्या डॉगी की वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा डॉगी है उसकी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे। देखो बैठे थे, इसे कुछ काम नहीं है इसका बैठने के अलावा। तो गाइज अभी जो है यार यहाँ पे फाइनली हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है, 11 बज चुके हैं, और अभी हम आराम से बैठे थोड़ी देर टीवी देखे, और आज जो है गाइज नींद भी आ रही है बहुत, आज फरीदाबाद से भी आ चुके थे तो बिल्कुल बहुत थकान लग रही है। उसके बाद आया मैं थोड़ी देर ट्यूशन सोया था, और फिर ट्यूशन चले गया था, फिर आके बस थोड़ा बहुत अपना काम करा था ट्यूशन का जो भी आया था होमवर्क मेरा, नींद भी बहुत आ रही है। तो गाइज सो जाते हैं और सुबह मिलेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि अब से जो है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ हमारे घर, तो 2 दिन में एक ही ब्लॉग आ पाएगा आप सभी के लिए। तो कल तो ब्लॉग आएगा नहीं, परसों ही ब्लॉग आएगा, तो फिलहाल अब मैं सुबह मिलूंगा यार आप सबसे। तो गुड नाइट गाइज आप सभी को भी, तो गुड मॉर्निंग गाइज आप सभी को भी, और आप अभी जो है ना तो एकदम रेडी हो चुका है, और साथ ही साथ अभी यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, देखो एकदम बड़े वाला ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का आपको पहचान, आपने पहचाना लिया वो कौन सा ब्रेकफास्ट है। और साथ ही साथ देखो पाइप जो है एक्स्ट्रा आज मैं लगाया हूँ, क्योंकि कल जो है जब हमने गन्ने की जूस से दुकान में जूस लिया ना, तब मैं 1-2 एक्स्ट्रा पाइप लिया था एक जितने कपड़े ले, क्योंकि हमें बनाना चाहिए कितने हैं तो उसमें मजा आता है बाइक से भी, ठीक है। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो गाइस फाइनली अभी जो है ट्यूशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है यार मेरा, और गाइस साथ ही साथ आज जो है मेरी ट्यूशन की छुट्टी है, पता नहीं भैया किसी काम से भैया ने आज जो है क्लास नहीं रखी है, कल क्लास है हमारी, कल भैया ने हमें 6 बजे बुलाया है, तो कल जाऊंगा ट्यूशन। आज मेरी ट्यूशन की छुट्टी थी, मैंने बोला थोड़ा बहुत आज सुबह का ब्लॉग बना दी, क्योंकि कल जो मैंने ब्लॉग बनाया था नानी के वहाँ से आने का, उसमें ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं था मैंने, इसलिए मैंने सोचा आज के दिन का भी थोड़ा बहुत ब्लॉग की क्लिप्स इसमें जोड़ के आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी जो है गाइस यहाँ पे हमारे 3 बज चुके हैं, और 3 बजने के साथ साथ मेरा जो है ट्यूशन का काम कंप्लीट हो चुका है, साथ साथ हमारा लंच भी कंप्लीट हो चुका है। अभी तक पापा आए नहीं है ड्यूटी से, पापा आएंगे 3:30-4 बजे तक आते थे कॉफ्टर से। तो गाइस अभी जो है यार मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर कुछ सामान वामान ला रहा था, तो बाहर चलते हैं अभी, और उससे पहले सबसे पहले अपना मास्क पहनेंगे बाहर जाने से पहले, ठीक है। और साथ ही मैंने निशान भाई को भी बुला लिया, निशान भाई की इको की बुक्स देनी थी वापस, तो निशान भाई को भी दे देंगे वापस। तो यहाँ पे गाइस जतिन देखो किसी चीज़ की ड्राइंग बना रहे हैं, ये ड्राइंग किस चीज़ की मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, आप चैनल पे देखना जतिन के जाके जब वीडियो आ जाएगी अली, ठीक है। तो एक सरप्राइज़ रहेगा आप सभी के लिए। तो जतिन का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है जतिन रावत आठ नाम से, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर लेना भाई लोग जल्दी से, क्योंकि ये ड्राइंग जो है जल्दी जतिन चैनल पे अपलोड कर देगा अपने। तो अब जो है गाइस हम पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं मास्क लगा एकदम बाहर जाने के लिए, तो चलो चलते हैं बाहर। ये तो गाइस गेट खोलते निशान भाई मिल गए, चलो भाई तुम्हारी बुक चल चल रहा है घूमने, बाहर चलते हैं मंडी में, चला चलते हैं। कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट का काम है। चलते। आ जा। तो अभी जो है गाइस फाइनली निशांत भाई और मैं जा रहे हैं मंडी, निशांत भाई को बोला था अपने बुक रखने के लिए पर भाई ने बुक नहीं रखी, तो थोड़ा बहुत सामान लाना मंडी से लेके चलते हैं, फिर एक और जगह जाने का घूमने का प्लान है, और बताऊंगा आगे ब्लॉग देखते रहना भी। तो अभी जो है गाइस फाइनली यहाँ पे मेरा पॉपआउट हो चुका है यार, धागा तो मैं लाना भूल गया, मतलब धागा जो मंगाया था मम्मी ने उससे जो कपड़ा लाना था कपड़ा मैं भूल गया हूँ, तो फिलहाल मैंने जतिन से ही व्हाट्सएप में उसकी फोटो मंगाई है कपड़े की, देखते हैं अंकल उस हिसाब से दे पाएंगे तो ले लेंगे फिर जल्दी से। तो फाइनली जो है गाइस अभी हम सामान लेके घर पहुँच चुके हैं, और घर में मैंने सामान रख दिया, अब दूसरी जगह जा रहे हैं निशान भाई और मैं, तो ले चलते हैं आपको देखने कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ का एंट्रेंस गेट, इतने सारे गेट देख लिए हमने, 2-3 रोड से आए थे, पर वहाँ का जो है एंट्रेंस गेट नहीं बन रहा है गाइस, ये वाला जो एक एंट्रेंस गेट लास्ट में रह रहा है। अब यहाँ से इसे पहले पार करते हैं फिर आपको ले चलेंगे अंदर, ठीक है। ये देखो गाइस यहाँ पे कितना पानी भर जाता है, जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ बहुत पानी भर जाता है सही में। निशान भाई आ रहे हो ना पीछे पीछे, निशान भाई परेशान हो गए मेरे साथ आके। तो गाइस यहाँ से आगे देखो रास्ता हमें देखने को नहीं मिल रहा, अभी इस साइड को पेड़ हैं पर ये पेड़ ना काटे वाले हैं, पता नहीं यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, बाकी प्लॉट में भी आगे पानी भर रखा है,
यहाँ पे एक दोस्त बैठा है हमारा तो फिलहाल अभी कोई देखने को तो मिल नहीं रहा, वहाँ पे एक दो अंकल ही बैठे हैं वहाँ पे उस साइड पर, वो पता नहीं कैसे चले गए वहाँ पे। और अब फिलहाल ये बच्चे तो ऐसे जा रहे हैं यार, देखो अब हम तो ऐसे नहीं जा सकते यार, हमारी इज्जत का सवाल है। ये पतंग के लिए जा रहे हैं तो यही देखना आता है यार, मैं यहाँ पे पानी भरा है कि नहीं भरा। वैसे पहले तो चारों तरफ से मेरे को पानी पानी दिख रहा है, तो हमारे लिए जो है गाइस वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है, तो नहीं जा सकते, थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा पानी के सूखने का, तभी जा पाएंगे वहाँ पे, फिर वहीं दिखाएंगे दोबारा आपको। पर अभी फिलहाल क्या करते थे हम तो सोच रहे थे पानी नहीं भरा होगा, पर तो गाइस चलते हैं वापस घर अब, ठीक है। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं अपनी गली में, ये देखो यहाँ पे मंदिर के सामने हमारा पार्ले जी बैठा है, पैर खुजलाने में लगा है। निशान भाई चलो यार, आज बहुत घुमाई फिराई होगी, चल भाई अगले बार मिलेंगे अब, ठीक है। तो फिलहाल गाइस अभी जो यार यहाँ पर मैं घर पहुँच चुका हूँ, और साथ ही अब अपना करेंगे हम थोड़ा बहुत शाम का स्नैक। और फिलहाल गाइस आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद है आपको तो गाइस ब्लॉग में एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल पे ही नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने गाइस हेमू ब्लॉग्स को। असल में गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि कल से लेके अभी तक का मैंने ब्लॉग बना दिया था, कल हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं था, कल के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आज का ब्लॉग भी इसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। तो गाइस चला बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। ये देखो पाले जी का छोटा भाई, ले ले आ इधर आ, पाले जी की बहन भाई कहाँ चले गए, उधर वहाँ चले गए उस साइड, जा जा नहा ले, नहा ले, गर्मी लग रही है उसे, नहा ले नहा ले।